दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। आज एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज दोबारा से हम ग्राउंड में आए हैं और आप देख सकते हो यहाँ बहुत ज़्यादा कोहरा है, और इस जनवरी के महीने में इतने कोहरे में भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जो ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं लड़के, वो यहाँ आए हुए हैं। हम लोग भी सुबह आए, बहुत ज़्यादा ठंडी है, फिर भी मुकाम हासिल करनी है तो कोशिशें तो करनी ही पड़ेगी। इसीलिए उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ग्रुप डी की, उनको बताना चाहता हूँ कि एक लाइन है जो आप मेरे दिल में निकल रही है, वो ये है कि सुना है समंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है समंदर को बड़ा गुमान आया है, कश्ती उधर ही ले चलो जिधर तूफान आया है। तो ये मौसम उन सभी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। आज अगर आपकी नौकरी लग जाएगी, जॉब लग जाएगा, तो आपको वो दिन याद आएगा कि कितनी ठंडी थी, और इस सर्द हवाओं में, ठंडी सुबह में आप प्रैक्टिस करने जब निकले हैं तो मुकाम आपको ज़रूर हासिल होगी और आप ज़रूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। आज डिस्कस करने वाला हूँ बाकी के जो बचे हुए एक सप्ताह हैं, अभी जो आपके जो रनिंग का जो डेट आ चुका है उसमें किसी का अभी से एक सप्ताह 10 दिन ऐसे ही टाइम बचा हुआ है, तो आखिरी दिनों में आपको क्या करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर जिनकी रनिंग नहीं बन पाई है अभी भी, जिनका अभी भी 4:15 से अधिक समय आ रहा है, 4:20 आ रहा है, 4:22 आ रहा है, 4:30 आ रहा है, कुछ लोग 5 मिनट भी कह रहे हैं, तो क्या करना चाहिए उनको। ऐसे सभी छात्रों को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। दूसरी चीज़, बाकी के जो बचे हुए एक सप्ताह है, इन 7 दिनों में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आने वाले जो रनिंग का टाइम है उसमें आप अपना 100% दे सको। ये सभी इम्पोर्टेंट बातों पर हम डिस्कस करेंगे और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी का जो टाइम है ना वो गोल्डन टाइम है, और अभी आपकी चीज़ें पॉजिटिवली होती गई, आप मोटिवेटेड रहे, तो जिनका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा भी आ रहा है ना, वो भी मैं 100% श्योर हूँ कि अपना विदिन 4:15 में कर लेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है, ज़रूर पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी लोग ने बहुत प्यार दिया है, हमने जो आपसे बातें कही थी, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत सारे लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जो हमारा टारगेट है 15 जनवरी तक 10,000 सब्सक्राइबर का, वो आप करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया है, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी एक जो आपसे रिक्वेस्ट है उसको कंप्लीट करिए। आप वीडियो देखते हैं, डेफिनेटली आपको पसंद आती है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और 10,000 जो सब्सक्राइबर का टारगेट है वो कंप्लीट करिए। तो देखिए, जो मुद्दे हैं हम उस पर बात करेंगे, और उन मुद्दों से जो लोग इस ठंड मौसम में बाहर निकलने के पहले सोचते हैं कि आज नहीं जाते हैं, आज ठंडी बहुत ज़्यादा है, आलस्य करते हैं, उनके लिए मैं बात बोलना चाहता हूँ कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो बिल्कुल आपको कोशिश करने से नहीं घबराना है, टाइम नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अगले दिन और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ हम जाएंगे, और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और ज़्यादा मेहनत करेंगे, और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो इस मोटिवेशन के साथ आप डेली निकलिए, देखिए रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आपको कंटिन्यूसली रखना है। आप अपने माइंड में एक बात सोच के रखिए, ये जो समय आया है आपके जीवन में, आपके लक्ष्य प्राप्ति में जो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आया है, क्या ये दोबारा आपको मिलेगा, क्या आपको दोबारा इस तरीके से ये सुनहरा मौका मिलेगा जिसमें आपको रनिंग के लिए दोबारा से टाइम, कब आएगा कब नहीं आएगा किसी को नहीं पता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। दूसरी बात, इतने सालों से आप लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, कई सारे परीक्षाएं दी हैं, उसमें आप पास भी हुए हैं लेकिन 1-2 नंबर से रह गए हैं, या फिर आपने कई सारी परीक्षाएं दी हैं जिसमें आपका नहीं हुआ है, तो अगर आज ये अपॉर्चुनिटीज आपको मिली है तो आप क्यों इसे छोड़ना चाहते हैं? सिर्फ इस वजह से कि आपका टाइम नहीं निकल रहा है, सिर्फ इस वजह से आप छोड़ना चाहते हैं? कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका नंबर पॉइंट में अधिक है, 0.4 है, 0.2 है, 0.3 है, या फिर 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादा है, ऐसे लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम रनिंग करने जाएं? देखिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर
आप पास होंगे नहीं होंगे, आपका कट ऑफ में फाइनल नाम आएगा या नहीं आएगा ये तो बाद की बात है, लेकिन अगर आप आज दौड़ने नहीं गए, आज आप अपने पीटी में ऑब्सेंट हो जाते हैं, आप पीटी में नहीं जाते हैं, तो ये तो 100% गारंटी है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप जाते हैं पीटी में, आप पीटी क्वालिफाई करते हैं, तो भले ही आपका पॉइंट नंबर ज़्यादा है, 0.1 ज़्यादा है, 0.4 ज़्यादा है, लेकिन कम से कम ये तो आपके अंदर गिल्ट नहीं रहेगा कि हमने पीटी छोड़ दिया था। और अगर बाय द वे कभी ऐसा हो गया कि सेकेंड और थर्ड डिवी में जितना कट ऑफ अभी गया हुआ है उतने पर ही बच्चों को दोबारा बुला लिया गया, तो आपके मन में एक गिल्ट हो जाएगी कि काश मैं उस दिन पीटी में गया होता। तो इस गिल्ट को ना बनने दें, आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती जा रही हैं उन सभी को ग्रैब करते जाइए, अपना 100% दीजिए, जितना हो सकता है उतनी कोशिश करिए, तभी जा कर के आप एक दिन लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अगर आप शुरुआत में ही डिमोटिवेट हो जाते हैं और आप पहले से ही ये लगता है कि नहीं हमारा नंबर कम है इसलिए हम नहीं जाएंगे, हमारा रनिंग नहीं बन पा रहा है हम इसलिए नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपकी कमजोरी है, ये आपकी वीकनेस है, ये आपके माइंड की वीकनेस है। इस वीकनेस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाइए कि चाहे बर्फ़ पड़ रही हो लेकिन आपको जाना है दौड़ने, तो दौड़ने जाना है। अब बात करते हैं जिनका टाइम नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ लड़कों के साथ आप प्रिपरेशन ग्रुप में हैं या फिर अकेले दौड़ रहे हैं, रोड पर दौड़ रहे हैं, तो कभी कभी डिस्टेंस कैलकुलेशन में भी मिस्टेक्स है कुछ लोगों की। हो सकता है डिस्टेंस आपका ज़्यादा है, तो पहले तो आप उस डिस्टेंस जो 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर का है तो उसे आप करेक्ट करिए, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली आपके 5 से 10 सेकेंड या उससे भी ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा समय लग सकता है। तो पहली बात तो यह है कि डिस्टेंस को एक्यूरेट मेजर करके तब अपना फाइनल प्रैक्टिस करिए, ठीक है, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, एग्जैक्टली आपकी क्या कैपेसिटी है वो पता चलेगा। दूसरी बात, वो सभी स्टूडेंट जिनका 4:15 से लेकर 4:20 या 4:22 तक आ रहा है, मतलब 4:15 से ज़्यादा आ रहा है, उनको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, ठीक है, आप बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, इससे घबराने की दिक्कत ज़रूरत नहीं है कि आपका 4:15 से 2 सेकेंड 10 सेकेंड ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, अगर 4:20 तक भी आ रहा है तो भी नो प्रॉब्लम है, आप कर लेंगे। बस आपके अंदर हौसला होना चाहिए, अपने आप को एक अंदर जिद होना चाहिए, है ना, जिद और जुनून जिसके अंदर है वो इस 1 किलोमीटर की रनिंग उसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी रनिंग नहीं है। आपको पता है कि जितने भी रनिंग या फिर फिजिकल वाले जो भी एग्ज़ाम्स है, चाहे आर्मी का हो, BSF का हो, GD का हो, पुलिस का हो, हर जगह आपने देखा है कि 5 किलोमीटर, 1600 मीटर, 2400 मीटर ऐसे रनिंग होती है। सिर्फ यही एक ग्रुप डी का ही जॉब है जिसमें आपको ओनली 1 किलोमीटर दौड़ना है, और इसमें भी आपको ये बहुत बड़ा टारगेट लगता है, तो फिर आपके लिए ये जॉब एक तरीके से कहा जाएगा कि नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी रेस नहीं है 1 किलोमीटर का, और इसे कोई भी रेगुलर अगर प्रैक्टिस करता है जिसकी हेल्थ ठीक है, फिजिकली वो फिट है, मेंटली फिट है, तो 1 किलोमीटर का रेस को पूरा करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एक सिंपल सा चैलेंज है, और अगर आपके अंदर जिद है, जुनून है, तो आप इसे कंप्लीट कर लोगे, 4 मिनट में आप कंप्लीट कर लोगे। बस जो भी स्ट्रैटेजी मैंने पिछले वीडियोस में बताई हैं उसे आप उस स्ट्रैटेजी के साथ आप उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि कब आपको तेज़ दौड़ना है, कब आपको धीरे दौड़ना है, है ना, किस तरीके से आप पूरे के पूरे जो सर्कल 4 राउंड लगाने हैं उसको आप पूरा कर सकते हैं, तो उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए, इसके अलावा जो मैंने डाइट की वीडियो बनाए हैं उनको भी देखिए आप, और इस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेट करिए और रनिंग को कंप्लीट करिए। फिलहाल जब आखिरी दिनों की हम बात कर रहे हैं, 7 दिन बचे हुए हैं, जिनके रनिंग में 10 दिन बचे हुए हैं, तो 10 दिन जिनके बचे हैं वो तो अपनी प्रैक्टिस करिए, अभी टाइम है आपको, लेकिन जब आपका टाइम नज़दीक आ जाता है, ठीक है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होता है। जैसे सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है आपको इंजरी से बचना है, किसी भी तरह की इंजरी से आप बचिए। अगर आपके मान लीजिए किसी भी वजह से रनिंग करते वक्त या भागते वक्त, है ना, या फिर आप कहीं जा रहे हो, तो ऐसे में अगर आपको किसी भी तरह का इंजरी हो जाती है तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा।
तो रनिंग भी करिए तो केयरफुली करिए, गड्ढे गुड्ढे में मत दौड़िए, सड़क पे प्रोवाइड अवॉइड करिए दौड़ना, रोड पर अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो, क्योंकि क्या होता है कि गाड़ियां वगैरह आ रही हैं, है ना, इसके अलावा उस पर हार्ड सरफेस होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। खैर अगर आपके पास प्लेस नहीं है तो कोई नहीं, आप केयरफुल होकर के रनिंग करिए। इसके अलावा अगर आप फास्ट रनिंग कर रहे हैं तो उसमें मोच आने की जो संभावना है, गड्ढे गुड्ढे रहते हैं तो ज़्यादा रहती है, तो इन सभी इंजरी से आपको बचना है, क्योंकि अगर आप अभी इंजर्ड हो गए तो ठीक होने में टाइम लग जाएगा और ऐसे में आपकी प्रैक्टिस भी छूटेगी और आपका उस दिन जिस दिन आपकी रनिंग है वो आपके लिए दिक्कत हो सकता है। तो इंजरी से बचना है, कोशिश करना है कि केयरफुली होकर के ही आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। और भी जो दूसरे लोग हैं जिनके 10 दिन 15 दिन अभी समय है, हालांकि किसी 16 से तो लगभग सभी का स्टार्ट हो चुका है, तो ऐसे में आपको अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है और रोज़ाना अब जो है टाइम सेट करके आपको रनिंग करनी है। एवरीडे लॉन्ग रनिंग करना ही करना है, उसको आप करिए। अगर आपकी अभी भी सांस फूलने में दिक्कत आ रही है ना, आपका जो दम पचने वाली मैंने बात बताई थी अगर वो नहीं हुआ है, तो अभी भी आप लॉन्ग रनिंग करिए, लेकिन एक टाइम सेट करके आप दौड़िए। 4 राउंड या फिर 1000 मीटर की जो रेस है उसको आप रोज़ाना टाइम सेट करके दौड़िए। रोज़ाना का मतलब है 2 दिन लगातार कर लिए, अगर नहीं बन पाया है तो 1 दिन रेस्ट करिए। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैं कल रेस्ट किया था, मैंने कल कुछ भी नहीं किया क्योंकि मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही थी रनिंग करने के लिए, तो इस वजह से मैंने रेस्ट कर लिया और आज मैं दोबारा ग्राउंड में आया, आज अच्छा रनिंग किया यहाँ पर, लगभग 3 किलोमीटर की रनिंग हमने पूरी की है। तो इस तरीके से आपको ना अपने बॉडी जो आपकी कह रही है उसको भी सुनना है और मोटिवेटेड रहना है, माइंड को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है और डिसाइड करना है कि नहीं आज मुझे स्लो रनिंग करनी है और इतना रनिंग करना है, उसको पूरा करिए। और ये आज ही डिसाइड करिए कि कल मैं आऊँगा यहाँ पर ग्राउंड में तो 1000 मीटर की रेस करूँगा और उसे पूरा करूँगा। पहले से ही प्रिपेयर्ड रहिए, ऐसा नहीं कि ग्राउंड में आ जाए, आज मन नहीं कर रहा है, आज नहीं दौड़ते हैं, छोड़ो आज रेस्ट, आज ग्राउंड में आने के बाद आप सोच रहे हो कि आज रेस्ट कर लेते हैं, आज बस वॉकिंग करके चले जाते हैं, ये गलत बात है, ये नहीं करना है। आपका पहले दिन से प्लान होना चाहिए, रात में जब आप सोने जा रहे हो तभी आपके माइंड में होना चाहिए कि अगले दिन मैं सुबह उठूँगा, इतने बजे उठूँगा, ग्राउंड में जाऊँगा। आप डिसाइड कर लोगे कि स्लो दौड़ना है कि 1000 मीटर पूरा करना है, चाहो तो आप दोनों कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ। आपको पता है कि मैं यहाँ पर आता हूँ तो 1000 मीटर की पहली रनिंग करने के बाद फिर एक्सरसाइज वार्म अप करते हैं और उसके बाद लॉन्ग रनिंग करते हैं, तो कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है, बहुत बड़ा ये टारगेट नहीं है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, ईजिली आप कर सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ में रहने वाले हैं, उनको आप देखिए, उन सभी लोगों को देखिए जो आपके साथ में ही रनिंग करना शुरू किए थे, आपके आसपास वाले ही थे और उनका टाइम आ रहा है, तो आपका टाइम क्यों नहीं आ सकता? क्या आपके अंदर उनसे स्टेमिना कम है या आपके अंदर उतना एनर्जी नहीं है, आपके माइंड उतना स्ट्रांग नहीं है, क्या कमी है कि दूसरे लोग कर पा रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और उन लोगों को भी सोचिए जो आपसे कहते थे कि तुम्हारा तो हो ही नहीं पाएगा, तुम कहाँ कर पाओगे। सोचिए ज़रा उन लोगों को जिनसे आप मिलते थे और जो हर बार आपसे पूछते थे कि क्या हुआ इस बार, तो आप जवाब देते थे अभी तैयारी कर रहे हैं, तो बोला जाता था कितने दिन तक तैयारी करते रहोगे, क्या तैयारी ही करते रहोगे, घर वाले बाहर वाले हर कोई आपको सुनाता था। तो ज़रा सोचिए कि ये दिन अगर आपका निकल गया, ये समय आपका चला गया, तो क्या आप दोबारा उन लोगों को क्या जवाब दोगे? वो लोग फिर आपसे मिलेंगे आपके गाँव में, आपके घरों में, सब लोग आपसे पूछेंगे कि एग्ज़ाम तो बाई द चांस निकल गया होगा, कैसे भी करके बाई द वे लक था एग्ज़ाम करके निकल गया, अगर हिम्मत थी तो रनिंग निकाल लिए होते, इस तरह के कहने वाले बात कहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि वो जो लोग जो आपकी शिकायतें करते हैं आपके बारे में बोलते हैं, उनको जवाब देने का यही सही मौका है, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस मोटिवेशन के साथ 100% जो लोग का भी समय 4.5 मिनट तक भी आ रहा है, वो लोग भी आने वाले ये 7 दिनों में कंप्लीट कर लोगे। तो इसी मोटिवेशन के साथ इस वीडियो को ख़त्म करेंगे और उम्मीद करूँगा कि आपको काफ़ी सारा मोटिवेशन मिला होगा, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा, ताकि जो हमारी जो विशेष है, जो एक टारगेट कंप्लीट करने का जो लक्ष्य है वो पूरा हो सके। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा,
ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेशन का काम करेगा। और आप भी अपने साथ में आने वाले सभी लोगों को मोटिवेट करिए और रनिंग के लिए उनको प्रोत्साहित करिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।